हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, मैथमेटिकल लॉजिक का मिसेलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, सो मिसेलेनियस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट के वीडियोस में हम लोग ने ऑलरेडी जो है कवर कर लिया था सारी चीज़ें, जैसे कि आपका एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 वगैरह जितना भी था, 1.4, सब कुछ जो है कम्प्लीटली हमने कवर कर लिया था। ठीक है, सो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मिसेलेनियस एक्सरसाइज। चलो, तो जिन्होंने भी लास्ट के वीडियोस नहीं देखे वो बाद में जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑल्टरनेटिव्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब कोई एक आंसर करेक्ट है आपका, गिवन ऑल्टरनेटिव उस आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ पी एंड क्यू, क्या दिया है, इफ पी एंड क्यू इज फॉल्स। देखो क्या बोला है, पी एंड क्यू इज फॉल्स, ध्यान देना, पी एंड क्यू इज फॉल्स। ओके, पी एंड क्यू आपका क्या बोला है, फॉल्स बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, एंड पी और क्यू इज ट्रू, एंड क्या बोला है, पी, देखो यहाँ पे, पी और क्यू इज क्या बोला है, ट्रू, इज नॉट ट्रू। ओके, इज ट्रू ही लिखा है, सॉरी। क्या दिया है, पी एंड क्यू इज फॉल्स, पी और क्यू इज ट्रू, देन द डैश इज नॉट ट्रू। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया या डी हो गया, इनमें से ऐसा कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक इसका लॉजिक टेबल बना दीजिए इसका फटाफट से। तो फटाफट बना लेते हैं। 1010 मुझे क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू इज फॉल्स, तो मेरे को वो डेटा निकालना है जिसमें पी एंड क्यू जो होता है फॉल्स होता है। ठीक है, सो ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। पी और क्यू में क्या बोल रहा है, इज ट्रू, मुझे वो डेटा चाहिए जिसमें पी और क्यू की वैल्यू ट्रू है, तो इसमें फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे पास ये जो है यहाँ पे ये डेटा है। ठीक है, ये वाला डेटा हो गया जिसमें कि मेरा सेटिस्फाई कर रहा है पी एंड क्यू जो है वो फॉल्स रहेगा और पी और क्यू जो है वो ट्रू रहेगा। तो पी और क्यू यहाँ पे अगर मैं देखूँ, पी और क्यू, तो यहाँ पे मेरा क्या आया, ट्रू आया, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इज नॉट ट्रू, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज क्या है, ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज क्या है, अभी देखो डबल इम्प्लीकेशन क्यू, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, यानी पी की वैल्यू भी क्यू पे होती है, इम्प्लाई करती है, और क्यू की वैल्यू भी जो है पी पे इम्प्लाई करती है। इसका सिंपली मतलब ये होता है, जब ट्रू 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 होता है फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है। तो देखो ये आ गया, इसको हम लोग ट्रू लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ये ट्रू लिखेंगे, बाकी की वैल्यूज जो होगी वो फॉल्स होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होगा और ट्रू ट्रू भी ट्रू होगा, बाकी की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन में ऐसा होता है, राइट। ओके, तो अभी मेरे पास ये आ गया, अभी मुझे चेक करना है कि क्या चेक करना है मुझे, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या आ गई, फॉल्स आ गई ना, इज नॉट ट्रू, इसकी वैल्यूज फॉल्स आ गई, राइट। तो यहाँ पे ये आंसर इसका करेक्ट हुआ, तो बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे आपको करेक्ट आंसर मिल गया तो आप उसको डायरेक्टली जो है मतलब वहाँ पे मार्क कर सकते हो, और एल्स आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं बताता हूँ एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ये बहुत, अभी इसको मैं आपको बताता हूँ ओरली सॉल्व कैसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो क्या पूछ रहा है ये, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एलिमिनेशन स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करना होता है। अभी आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, क्या देख रहे हो, पी एंड क्यू इम्प्लाइज टू निगेशन ऑफ आर, मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट तो नहीं हुआ, मैं इसको यहाँ पे ही कैंसिल कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो पी एंड क्यू इम्प्लाइज टू आर है क्वेश्चन में, लेकिन ये क्या बता रहा है मुझे, पी और क्यू इम्प्लाइज टू आर, मतलब ये भी मैंने अभी मेरा काम आसान कर दिया, 50% ईजी हो गया मेरे लिए। मेरे को अभी इन दोनों में से चेक करना है, मतलब 50% चांसेस है कि मेरा आंसर राइट हो सकता है अगर मैं तुक्का भी मारूँ तो, लेकिन हमें तुक्का नहीं मारना है। अभी क्या है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज टू आर, अभी तो एक ये हो गया, इसको मुझे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ऐसे ही मैं जजमेंट नहीं मार सकता, और एक ये हो गया। ठीक है,
ये वाला हो गया। एंड पी, यहाँ पे निगेशन पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज टू निगेशन आर, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप निगेशन लगाते हो, जब भी आप निगेशन लगाते हो, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन वाला जो ये टर्म है पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, इसको अगर मैं निगेशन लगा दूँ तो ये क्या होता है पता है? क्या होता है बोलो? पी एंड क्यू ऐसा होता है और फिर ये एंड हो जाएगा, निगेशन आर हो जाएगा, बराबर। निगेशन इस तरीके से सॉल्व होता है, माई राइट? ओके, तो ये अभी मैं इस टर्म से चेक करता हूँ तो मेरे को सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा अभी। तो देखो यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन क्या है, सी वाला ऑप्शन क्या है मेरे पास यहाँ पे, निगेशन पी और निगेशन क्यू, निगेशन पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज टू क्या है, इम्प्लाइज टू आर आर है, मतलब ये भी मैच कर रहा है आपका, ये भी मैच नहीं करने वाला है। और अगर आप नॉर्मली इस चीज़ को ट्रुथ टेबल निकालो, मैं ट्रुथ टेबल इसका ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पी क्यू आर है, मतलब टोटल 8 रोज मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे अभी। पी क्यू दो वेरिएबल होता तो मैं बना देता आपके लिए, लेकिन पी क्यू आर है तो इसलिए आप ना थोड़ा सा मतलब एक लॉजिक यूज़ करो, एक ठीक है नॉर्मल एक लॉजिक यूज़ करो ताकि उससे आपको समझ में आ जाए कि कौन सा इक्विवेलेंट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है इसका आंसर ये है। अगर आप इसको एलिमिनेट कर पा रहे हो सी ऑप्शन को, तो आपको पता चल गया कि ए आंसर, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे आप निगेशन सॉल्व करोगे, तो निगेशन लगा दोगे तो मेरे को ये टर्म मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं ईच टर्म को यहाँ पे वापस निगेशन लगा दूँ, ईच टर्म को फिर से निगेशन लगा दूँ, जैसे कि ये वाला टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से मैं निगेशन लगा दूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का टर्म मिलेगा। देखो मुझे ये मिल जाएगा, ये टर्म, अभी ये टर्म मैच कर रहा है इससे, ध्यान से देखना। ये वाला जो टर्म है इससे मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। निगेशन ऑफ निगेशन माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले मैंने निगेशन लगाया फिर से मैंने निगेशन लगाया तो मेरा ये आंसर आया। ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वल है, नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इम्प्लाइज टू निगेशन आर बोल रहा है, इम्प्लाइज टू निगेशन आर बोल रहा है, मतलब ये वैल्यू ट्रू नहीं है। चलो आगे बढ़े। इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, इनवर्स पूछा है, इसका स्टेटमेंट निकालना है। इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। अभी इस केस में आप लोग क्या करोगे, सिंपल क्या कर सकते हो अभी इस केस में, आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, अगर आप इसका इनवर्स निकालोगे तो देखो पी एंड क्यू इम्प्लाइज टू पी और क्यू, यहाँ पे क्या दिया है, पी और क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, क्या दिया है, पी और क्यू दिया हुआ है, इम्प्लाइज टू पी एंड क्यू हो। ठीक है, तो जब ये केस, इसको आप कौन सा लॉ बोलते हो, इसको आप एसोसिएट लॉ बोलते हो। ठीक है, जहाँ पे आप जो है इसको स्वैप करो तो उसकी वैल्यू इक्वल आएगी, लेकिन इम्प्लाइज के केस में नहीं आती वो चीज़, इम्प्लाइज के केस में लागू नहीं होती, तो आप इसको यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हो। अब थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली देखो ना तो आपको पता ही चल जाएगा कि आंसर सी या डी में से, लेकिन अगर आपको वापस इसमें से चेक करना हो, अगर आपको ओरली चेक करना हो सी या डी में से कौन सा आंसर है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने निगेशन लगा दिया इस पर, ठीक है, क्या किया आपने इसमें, इन्वर्स कर दिया, मतलब ये हो गया आपका निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ऐसा आया आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये वाला टर्म आपका ऐसा हो जाएगा जो कि सही है। अगर आपको इस टर्म में ऐसा, अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी निगेशन पी और निगेशन क्यू बोला है, ठीक है, तो जब आप इसका इन्वर्स करोगे तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, यही आएगा, साइन चेंज होता है ना यार, अभी यहाँ पे और दिया है तो ये एंड होगा जब आप इन्वर्स करोगे, तो मुझे पता चल गया कि इसका आंसर भी जो है यहाँ पे सी है, मतलब इसको भी मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ, सिंपल। आगे देखो, इफ पी एंड क्यू इज एफ, इफ पी एंड क्यू इज एफ, पी इम्प्लाइज क्यू इज एफ, देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर। ओके, अभी समझो यहाँ पे, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक टेबल एक बनाना पड़ेगा। पी एंड क्यू मैं बोल रहा हूँ इज एफ, मतलब मैंने बनाया पी क्यू और बोलता हूँ पी एंड क्यू इज एफ, अभी कौन से कंडीशन में ये आता है, ठीक है, तो ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, मैंने ये लिख दिया। चलो क्लियर, मैंने लिखा यहाँ पे, और मेरे को क्या डेटा चाहिए अभी, इस एफ मैं बोल रहा हूँ, इस एफ मतलब ये वाला हो गया, ये हुआ
और ये हुआ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, पी इम्प्लाइज क्यू इज ऑल्सो एफ, पी इम्प्लाइज क्यू एफ। अभी ये पी इम्प्लाइज क्यू एफ कब आएगा, कब आएगा पी इम्प्लाइज क्यू एफ? जब ट्रू 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 होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा। तो ट्रू 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 है यहाँ पे, फॉल्स फॉल्स भी जो है यहाँ पे ट्रू है। तो अभी ये वैल्यू क्या है, बाकी सारी वैल्यू फॉल्स। देखो अभी कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जो मेरे को फॉल्स दे रही है। तो ये फर्स्ट, अगर आप देखो फर्स्ट वैल्यू ये मुझे देखो दोनों में फॉल्स दे रही है। देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर, ट्रूथ वैल्यूज अभी मुझे निकालनी है इसकी। तो ट्रूथ वैल्यूज क्या होगा ऑफ पी एंड क्यू। अब यहाँ पे आप ट्रूथ वैल्यू निकालोगे पी एंड क्यू, कैसे निकालोगे? अभी मेरे पास आ गया गिवन डेटा, पी एंड क्यू आ गया, पी इम्प्लाइज क्यू आ गया। तो अभी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है आपका ट्रू है यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में, ये वाला आपका ट्रू है, ठीक है। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, आ गया ना फर्स्ट वाला। ये देखो आपका ये क्या आएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू डी आएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू इसका फॉल्स आ जाएगा। देखा यहाँ पे, समझेगा आप अगर यहाँ पे इन दोनों सेक्शन पे आप देखो तो ये आपको समझ जाएगा यहाँ से। अगर ये 0 0 फॉल्स हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, मेरा ट्रू 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 है, बाकी सब फॉल्स है, तो ये फॉल्स आया, ठीक है। सो मैंने क्या बोला है कि मेरे को पी एंड क्यू इज फॉल्स चाहिए, पी एंड क्यू इज फॉल्स चाहिए, ठीक है। तो मेरे को पी एंड क्यू फॉल्स मिल गया, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू तो मैं यहाँ पे टी ही लिखूंगा। ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी इसकी, टी आएगी। फिर मैंने बोला इसको कि पी इम्प्लाइज क्यू इज एफ, ठीक है। तो उसका भी हमने बना लिया, तो ट्रूथ वैल्यू अभी निकालना है। ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा इसका, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, एज सिंपल एज दैट। सो अभी आपका यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जहाँ पे इसका फर्स्ट वैल्यू जो है आपका ट्रू है और सेकंड वैल्यू आपका फॉल्स है। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, ट्रू फॉल्स लिखा। सेम चीज़ आपका फर्स्ट यहाँ पे जो है पी एंड क्यू जो है यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन सेकेंड वाला जो है पी इम्प्लाइज क्यू इज एफ, यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू इसकी ट्रू आ रही है, ठीक है। तो ये आपका जो है सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट आउट कर सकते हो फटाफट। तो आपको बेसिक्स अगर क्लियर है, जैसे कि आपका कन्वर्ज हो गया, आपका देखो इसमें ना लॉजिक टेबल में आपको दो तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड, जब हम लोग एंड गेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, एंड गेट आपको पता है, ठीक है, एंड गेट करते हैं, और गेट करते हैं, ठीक है। बाकी तो नैंड गेट, इसको निगेशन लगा दो, नॉर गेट उसको निगेशन लगा दो, ठीक है। बाकी आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसमें, आपको कन्वर्स पता होना चाहिए, ठीक है, कन्वर्स हो गया आपको। और क्या पता होना चाहिए, इनवर्स पता होना चाहिए। बाकी आपको कंटिजेंसी पता होना चाहिए, कंटिजेंसी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ आपको पता है, तो इजीली आप जो है लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक के, मतलब समझ लो वहाँ पे आपने जो है 60% ऐसे सब कुछ सीख लिया। निगेशन ऑफ इनवर्स, अभी ये क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगा क्या है निगेशन ऑफ इनवर्स, मेरे को पूछा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मेरे को इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, पहले पहले इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर मैं निगेशन ऑफ इनवर्स निकालूंगा, बात खत्म। देखो अभी मेरे पास अगर पी इम्प्लाइज क्यू है, तो अगर मैं इसका कन्वर्स निकालना चाहूँ तो कन्वर्स क्या हो जाएगा उसका, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ऐसे लिखता हूँ मैं। कन्वर्स क्या होगा, क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा। अगर मैं इसका इनवर्स निकालना चाहूँ तो इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका होगा निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, करेक्ट। अगर मैं इसका कंटिजेंसी निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, ठीक है। तो अभी मेरे को इसका क्या निकालना है, यहाँ पे देखो मेरे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया है मेरे को, बोलता है कि इसका निगेशन ऑफ इनवर्स निकालो। तो पहले भाई इसका क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अभी ये टर्म रहा मेरा निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, मैंने क्या बताया इनवर्स कैसे निकालेंगे। देखो आपका फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, सेकंड टर्म भी जगह पे रहेगा, निगेशन लग जाएगा आपका, ठीक है, आपका यहाँ पे निगेशन लग जाएगा। तो अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म को आपका क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं पी, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्यू एज इट इज, ठीक है। अभी मेरे को इसका क्या करना है, निगेशन करना है, निगेशन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म को एज इट इज रहने देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं एंड लगाते हैं और ये लगा देते हैं, निगेशन लगा देते हैं। तो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, तो क्या हुआ मेरा पी एंड क्यू। अगर आप इसको एसोसिएट लॉ यूज़ करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर इसका क्यू एंड पी है, मतलब क्यू एंड पी इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू, ठीक है। ये आपका आ गया एसोसिएट लॉ से,
ठीक है, तो ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, बहुत आसान है ये। अभी मेरे को पूछा है द निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर इस। अभी मेरे को सिंपल इसका निगेशन निकालना है। अरे यार बहुत मतलब चिंदी चिंदी आ रहा है, क्या ही बताओगे। इतना चिंदी तो मतलब, चलो अभी पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर। ये इम्प्लीकेशन है ना, थोड़ा आपको कन्फ्यूज कर सकता है, लेकिन कन्फ्यूज हो मत। ठीक है, इम्प्लीकेशन में क्या होता है आपका कि ट्रू और ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स भी ट्रू होता है। बाकी अगर ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू होगा, तो हम उसको बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, ये हो गया आपका इम्प्लीकेशन में, सिंगल इम्प्लीकेशन में। ये हो गया आपका सिंगल इम्प्लीकेशन में। अगर मैं डबल इम्प्लीकेशन बोलूंगा तो डबल इम्प्लीकेशन में कैसा होगा आपका, अरे सॉरी माय बैड, ये मैंने आपको डबल इम्प्लीकेशन का बताया, माय बैड। ठीक है, ये मैंने आपको डबल इम्प्लीकेशन का बताया। सिंगल इम्प्लीकेशन में कैसे होगा, अभी यहाँ पे देखो, सिंगल इम्प्लीकेशन में क्या होगा, मैंने ट्रू लिया और ट्रू लिया, तो सिंगल इम्प्लीकेशन में ट्रू ट्रू तो ट्रू होगा, फॉल्स और फॉल्स भी यहाँ पे ट्रू होगा। बाकी जो मेरी वैल्यूज रहेगी जिस पे भी इम्प्लाई करती होगी, जैसे कि मान लो ये वाला पी है, ये वाला क्यू है, तो मैं बोलता हूँ कि पी इम्प्लाइज क्यू, तो क्यू की जो वैल्यू रहेगी, अभी टी एफ, टी एफ ऐसा लिखा मैंने, ये भी हो गया टी टी एफ एफ, तो यहाँ पे मेरी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू मेरी टी है, तो मैं टी लिखूंगा, एफ की वैल्यू मेरी एफ है तो मैं एफ लिखूंगा। ये हो गया सिंगल इम्प्लीकेशन। मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, अगर आपका टर्म्स क्लियर है तो भी, क्योंकि साइन में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया ना, तो जितना भी आपको आता है सारा आपका किया जाने वाला है पानी में। ठीक है, हाँ तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। चलो, निगेशन हमको निकालना था, फटाफट निकाल देंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो, टन 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 टन। अरे हाँ, यहाँ पे भी तो निगेशन आएगा ना यार, क्या किया मैंने, देखो ब्रैकेट खोला, निगेशन पी एंड का और हो गया। यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म इम्प्लाई सेकेंड टर्म होता है, तो निगेशन में कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड निगेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने एज इट इज रहा, यहाँ पे थर्ड स्टेप में मैंने इसको ओपन कर दिया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो क्यू एंड निगेशन आर आ गया ना, मिला आपको करेक्ट आंसर डी। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, बहुत हलवा है, देख लो फटाफट। इफ ए सेट दिया है मेरे को, सॉरी बोला है कि ए में जो है मेरे पास पांच वैल्यू है, और पूछ रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, भाई ऐसा कौन सा है जो कि ट्रू नहीं होने वाला है। तो अगर मैं ये देखूँ, बोलते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, क्या बोल रहा है मेरे को ये उल्टा ई आप देख रहे हो ना, मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू की बात कर रहा है वो, और उल्टा ए आप बोल देख रहे हो मतलब फॉर ऑल की बात कर रहा है ये। आई होप आपको बेसिक पता ही होगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, एक्स प्लस थ्री सच दैट ए, तो भाई मेरे पास यस पांच एक वैल्यू है जिसको अगर मैं पुट अप करूंगा तो मेरे को मिलेगा 5 + 3 इज इक्वल टू 8, देन 100% इट इज द करेक्ट वन। मेरे को बोल रहा है कोई एक ऐसा वैल्यू दिखाओ ए में से कि मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे पास तो 1 + 2 भी आएगा जो कि लेस देन 9 है। ठीक है भाई, मेरे पास 2 + 2 भी है जो कि लेस देन 9 है। ठीक है भाई, मेरे पास 3 + 2 भी है जो कि लेस देन 9 है, और जो भी है मतलब। ठीक है, तो ये भी मेरा वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। अभी ये मेरे को बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब सारी वैल्यू उसके लिए बोल रहा है, अगर मैं एक्स की वैल्यूज पुटअप कर दूँ तो क्या 1 + 6 > 9 है, तो भाई 1 + 6 तो > 9 नहीं है। अभी 2 + 6 आएगा मतलब हाँ दैट इज 8, 8 > 9, तो ये भी गलत है। तो ए 1 और 2 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, 1 और 2 के लिए इसकी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो मेरा करेक्ट आंसर मिल गया मेरे को यहाँ पे, मेरा करेक्ट आंसर इज नॉट ट्रू बोला ना, तो इसको मैं पहले रॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला आ गया मेरा करेक्ट आंसर। चलो अभी देखो, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। ठीक है, मेरे को बोला है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, मतलब कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि स्टेटमेंट है लॉजिकली, तो मेरे को जस्टिफाई करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है ना तुम लोग को, आता है ना, 11th में सीखा है ना, नहीं सीखा है तो अभी सीख लो यार। हेंस प्रूव, खत्म। तो भाई ये सेंटेंस जो है लॉजिक स्टेटमेंट है, तो मैंने क्या लिखा इसको, हेंस ट्रुथ वैल्यू इज टी। अभी फोर्थ का परम्यूटेशन हम लोग कैसे निकालेंगे,
फोर को माइनस करते जाएंगे, माइनस 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 अप टू वन, मतलब 4, 3, 2, 1, ये किसका हो गया, 4 का परम्यूटेशन हो गया। अगर मेरे को बोला 101 का निकालो सर जी परम्यूटेशन, तो मैं कैसे निकालूंगा, 101 इंटू 100 डॉट 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 अप टू 2 इंटू 1, इस तरीके से निकालूंगा, ठीक है बराबर। या तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ सीधा 100 इंटू 100 परम्यूटेशन, अभी जिसको समझिए वो समझिए, है ना। पाई इज इरेशनल नंबर, भाई मेरे को पता है इरेशनल नंबर है। क्यों, पाई की वैल्यू क्या आने वाली है भाई तुम्हारी, 3.214, क्या आता है 3.14 जो भी है, तो ठीक है 1424 ऐसा कुछ आता है ना, इरेशनल है ना, नेवर एंडिंग है ना, ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, तो यहाँ पे मैंने ट्रुथ वैल्यू इसका टी लिख दिया। इंडिया इज अ कंट्री एंड हिमालय इज अ रिवर, तो भाई 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 मारो मुझे। सो ठीक है भाई, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, क्यू, हैंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ, टी एंड एफ इज इक्वल टू एफ। अभी यहाँ पे हिमालय इज अ रिवर, तो भाई मैं हिमालय इज अ माउंटेन ऐसा बोल सकता हूँ, तब जाके ये लॉजिकल स्टेटमेंट होता, बट ठीक है। अभी राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेरे को ट्रुथ वैल्यू लिखनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट की, तो क्या बोल रहा है ये, फाइव माइनस अंडर रूट इज एन इरेशनल बट 35 माइनस अंडर रूट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, पी में लिखा क्यू में लिखा, मेरे को क्या पूछ रहा है, राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो सिंबलिक फॉर्म लिखेंगे, देन द सिंबलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, हम लोग पी एंड क्यू निकालेंगे इसका। सो ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर टी एंड एफ रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला जो है आपका इरेशनल है वो ट्रू है, लेकिन सेकंड जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होना वो जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि अंडर रूट में आपका जो भी आएगा तो वो जो वैल्यू होगी आपकी, एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आने वाली कभी भी, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे ट्रू नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है पी एंड क्यू इज फॉल्स, ठीक है, क्योंकि पहला वाला ट्रू है, पी एफ है ये, तो टी एंड एफ क्या होता है, हमेशा ट्रू टू ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, तो मैं इसको लिखूंगा फॉल्स। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन स्क्वायर प्लस एन इज इवन नंबर, वाइल एन स्क्वायर माइनस एन इज ऑड नंबर। तो भाई देख, मेरे को तो पता है एन स्क्वायर प्लस एन जो है ये इवन नंबर होता है, ये लास्ट में भी हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ था। अगर आप इसमें ऑड नंबर डाल दो, कुछ भी डाल दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 डालोगे 2 होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 डालोगे तब भी ये 6 इवन नंबर होगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 डालोगे मतलब 9 प्लस 3 तब भी ये, कुछ भी डाल के देख लो यार, ठीक है इवन नंबर होगा, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब मेरे को ये क्या बोल रहा है, क्यू फॉर ऑल सच दैट एन बिलोंग्स टू एन, एन स्क्वायर माइनस एन इज एन ऑड नंबर, एन स्क्वायर माइनस एन इज एन ऑड नंबर। तो भाई ऐसा जरूरी है क्या, देखो भाई पहले ही मैं डाल देता हूँ, ये ऑड नंबर हुआ क्या, नहीं ना, तो खत्म। तो इसका क्या आएगा, ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इज एफ, सिंपल है यार। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में ये सब कुछ आपको ऑलरेडी सिखा दिया। ये क्या आएगा आपका, इंपरेटिव सेंटेंस है, ये मेरे ख्याल से रिपीट भी हो गया है ना, ये 1.1 में भी सेम ही क्वेश्चन था। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, वाह फॉर्मूला आ गया ना, फैक्टराइजेशन। ट्रिग्नोमेट्री सीखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री सीखो, ठीक है। सो 1 माइनस, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तभी भी ये वैल्यू जो है ट्रू होगी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि 2 cos² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos² थीटा, तभी भी ये वैल्यू जो होगी ट्रू होगी, ठीक है। फॉर्मूलाज पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू होल नंबर, द एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, घंटा। सॉरी ये क्या बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू होल नंबर, होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0, 1, 2 अप टू अप टू अप टू अप टू इन्फिनिटी। तो भाई जब इसमें नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, -6 में इसको लिख के 0 कर ही नहीं सकता, ठीक है। -6 एक्स की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। एक्स इज नेवर इक्वल टू -6 इन केस ऑफ होल नंबर, तो इसकी तो वैल्यू एफ आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक ही कुछ वैल्यूज है अप टू 9 फ्रॉम स्टार्टिंग 1, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। मेरे को बोला है ट्रुथ वैल्यू निकालो, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 15 किसी एक वैल्यू के लिए, 8 है तो 8 प्लस क्या करोगे तो 15 आएगा, 7 करूंगा तब भी आएगा ना, तो भाई ये ट्रुथ हुआ, सिंपल है ना, कितना सिंपल है। मेरे को बोल रहा है कि फॉर ऑल पूछा है, उल्टा ए कर दिया, फॉर ऑल एक्स प्लस 5
इज लेस देन 12, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मैं लूंगा जो कि 1 + 5 है, इज लेस देन 12, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अभी सबसे बिगेस्ट नंबर मैं लूंगा, 9 + 5 इज नॉट लेस देन 12 बिकॉज इट इज इक्वल्स टू 14, ये मैंने इसको फॉल्स कर दिया है। यहाँ पे देखो एक वैल्यू पूछ रहा है, बोल रहा है कि कोई एक वैल्यू मेरे को दो जो कि जो है इक्वल हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है उससे, ठीक है, एक्स प्लस सेवन सच दैट एक्स प्लस सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ओके तो हाँ भाई मेरे पास तो बहुत सारी वैल्यूज है, अगर मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो मैंने इसको ट्रू बोला, ठीक है। अभी देखो ये मेरे को क्या बोल रहा है, फॉर ऑल सारी वैल्यूज़ के लिए बोल रहा है, सारी वैल्यूज़ तो भाई अगर मैं यहाँ पे बड़ा वैल्यू ले लूँ तो चेक करता हूँ 3 9 क्या होगा, मेरे को प्रूफ करना है क्या ये इक्वल होगा, तो भाई 3 9 27 विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 25, सो भाई ये तो गलत बात है, फॉल्स हो गया। तो धन्यवाद, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो इतना निवेदन है, इतना कर देना, दिल बड़ा कर देना, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।